अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खलील जमा आप तमाम का सीएनआई न्यूज में खैर मकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। इसके पक्ष में पांच पांच वर्षों में बदलाव होते रहते हैं। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट इस देश का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। मिजोरम एक छोटा राज्य है लेकिन उसकी महत्ता उससे कम नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस पार्टी के लिए और राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण राज्य है और इस आधार पर मिजोरम के चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है। और आपके राज्य का चुनाव जो तकरीबन लोकसभा के साथ प्रस्तावित था, राज्य की सरकार ने यह प्रस्ताव दिया कि वो तकरीबन 6 महीने पहले यहां पर विधानसभा का चुनाव संपन्न हो। उसके जो चुनाव संपन्न कराने के जो कारण राज्य की सरकार टीआरएस और केसीआर के द्वारा बताए गए, वो किसी की समझ में आए नहीं। लेकिन शायद उनको ये लगा कि आने वाला जो समय होगा, जिस तरह से समय बढ़ता जा रहा है, उनके खिलाफ राज्य के अंदर वातावरण खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आमतौर से ट्रेंड है तमाम सर्वे इस बात की तरफ इशारा करते हुए, जो भी महत्वपूर्ण एजेंसी इस देश के अंदर है, जो डेटा पे काम करती है, वो ये इशारा करती है कि अगर किसी भी सरकार के खिलाफ जनता में जनभावना उत्पन्न हो जाती है, तो जनभावना उत्पन्न होने के बाद वो रुकती नहीं है, वो बढ़ती जाती है। तो संभवतः केडीआर और केसीआर को ये लगा होगा कि आने वाले 6 महीने उनके लिए बहुत अधिक मुश्किल होने वाले थे, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी को देखने के पश्चात उन्होंने ये निर्णय किया कि वो चुनाव 6 महीने पहले संपन्न करा लें। 3 राज्यों की जो स्थिति विशेष रूप से दिखाई देती है, उसमें अभी एबीपी चैनल ने सीट वोटर का एक सर्वे और एक रुझान जारी किया और ये समझा जा रहा था कि राजस्थान में तो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने में सफल हो पाएगी। उसमें जो सर्वे आए हैं उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस लगभग 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में नेट टू नेट 5 लोग समझ रहे थे, 15 वर्षों से राज्य में सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनते हुए उस सर्वे के आधार पर दिखाई दे रही है। तीसरा और महत्वपूर्ण राज्य छत्तीसगढ़ भी है और छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, वहां भी उस सर्वे के आधार पर जो कि एक डिस्ट्रिबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये इशारा कर रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार की पत्नी है। और चौथी और महत्वपूर्ण बात ये कि तेलंगाना में पिछले दिनों में जिस तरह से माहौल बदला है, विशेष रूप से केसीआर ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था और उसमें बहुत बड़े दावे इस राज्य में किए गए थे कि 25 लाख लोग इकट्ठा होंगे, 25 लाख का दसवां हिस्सा भी उसमें इकट्ठा नहीं हो पाया, वो एक बड़ा फेलियर था। आप अपेक्षा करते हैं राज्य से, और शायद आपको यह लग रहा होगा, आपसे मुराद में केसीआर सरकार की और टीआरएस की बात कर रहा हूं, कि उस मीटिंग में उनको शायद यह अंदाजा हो गया था कि आने वाली स्थितियां क्या कहते हैं। और इसलिए कि राज्य की सरकार पिछले 4 वर्षों में किए गए वायदों को जिस प्रकार से पूरा करने में असफल साबित हुई है, उसी के कारण यह संभव हो पाया है। मैं इसलिए बात करता हूं कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। लोकतंत्र का मतलब जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के जरिए चुनी गई सरकार होता है। और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि आप जनता से जो भी वायदे करें, 5 वर्षों में उन वायदों को पूरा करके दिखाएंगे। केसीआर की सरकार ने 2009 के किए विधानसभा में किए